अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपसे 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, और दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुर्गी के बच्चे की टांग टूट जाए तो क्या करें। दोस्तों, इस मुर्गी के बच्चे की टांग टूट गई है, और उस वीडियो में हमारे व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। तो इसलिए मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको कुछ परेशानी ना हो। क्योंकि दोस्तों, उस वाली वीडियो में आप भाइयों के काफ़ी मुझे कमेंट आए कि चूना क्या होता है, या फिर चूना ना मिले तो क्या करें। दोस्तों, ये है पीली वाली हल्दी, और ये जो सफ़ेद है ये नीचे की तरफ, ये है दोस्तों चूना। दोस्तों, ये वो वाला चूना है जो हम पान पे लगाकर भी खाते हैं, जो हरा पान होता है वो हम खाते हैं पान, उस पर हम चूना लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको चूना ना मिले तो आप हल्दी और शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले मुर्गी के बच्चे की टांग की कत्तर खोल देता हूँ। दोस्तों, अब हम इसकी टांग की कत्तर खोलने लगे हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसके 2-3 दिन हो गए हम पट्टी कर रहे हैं, और अभी तो इसके अंदर। तो दोस्तों, अब हम हल्दी और चूने के अंदर अब शहद हम डालने लगे हैं दोस्तों, और ये शहद से चिपक आ जाती है इसके अंदर, और दर्द कम होता है। थोड़ा ही शहद डालना है दोस्तों, अब मैं इसे मिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये हल्दी, शहद और चूना हमने तीनों चीज़ एक जगह मिक्स कर ली, और अभी इसे वहाँ पर लगाना जहाँ से मुर्गी के बच्चे की या मुर्गे की या मुर्गी की टांग टूट रही हो, उस जगहों पर लगाना। कम से कम इसे आपने 1 हफ्ता ट्रीटमेंट करना, तो आपका मुर्गा, मुर्गी या मुर्गी का बच्चा बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लगा कर एक पट्टी बांध दें। तो दोस्तों, इसके पैर पर हमने लगा दिया, और दोस्तों अब एक पट्टी आपने बांध देनी, सूती कपड़ा अगर आपके पास हो, सूती कपड़े की कत्तर आपने इसकी टांग पर बांध देनी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।